हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फोर्थ क्लास का मैथ्स में चैप्टर टू स्टार्ट किया था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें मैं आपको चार एक्सरसाइजेस की फिनिश करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 2D तक हमने कर लिया था, ठीक है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी थी रिलेटेड टू एडिशन, ठीक है ना, यानी 2D तक हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2E की। देखिए 2E में अब आपका सब्ट्रैक्शन चालू होगा, ठीक है ना, क्या स्टार्ट होगा आपका सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चनों में डिजिट ज़्यादा कर दिए हैं, कुछ में कम कर दिए हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेथड सभी का करने का एक ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको किस टाइप से लिखा हुआ है, ये आपको प्लेसेस दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे लैक 10,000 थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस, ये नंबर दिया है आपको 7 7 7 4 4 4, नीचे है इसी टाइप से 3 7 7 4 0 0 माइनस। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। देखिए वंस का कॉलम है ये टेंस का कॉलम, ये हंड्रेड का कॉलम, थाउजेंड का, 10,000 का, ये लैक का, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपको ऐड नहीं करना, माइनस करना है सब्ट्रैक्शन, यानी 4 में से आप 0 माइनस करेंगे। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। आपको मैंने बताया है कि 0 का किसी भी नंबर में प्लस या माइनस करते हैं तो उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज रहता है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे 4 माइनस 0, यहाँ पर भी 4 बचेगा। यहाँ पे आते हैं, ये है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 होगा तो कितना आएगा, यानी आपके पास 4 रुपीज़ हैं, और 4 रुपीज़ चले गए तो आपके पास क्या बचेगा, 0 रुपीज़, यानी कि ये कितना आ गया आपका 0, यानी किसी नंबर में से उसी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 0। इसी टाइप से 7 7 7 है 7 है 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो भी 0। इसी टाइप से यहाँ पे 7 7 है 7 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 0। यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 3 है, 7 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा बेटा 4। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है इस टाइप से लैक 10,000 थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस, ठीक है, ये दिया आपको नंबर 4 0 0 8 0 0, नीचे दिया है 2 0 0 6 0 0 माइनस। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा देखिए, 0 माइनस 0 क्या होता है आपका 0 ही होगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही बचेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे फिर 0 आ गया आपका, ठीक है। अब है यहाँ पर 8 में से 6 आपको माइनस करना है, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा, ठीक है, फिर 0 माइनस 0 आ गया तो फिर 0 बच जाएगा, फिर 0 माइनस 0 आ गया तो फिर 0 बच जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका, या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन करते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन एक से ही हैं। अब जो मैं आपको लेना चाह रहा हूँ वो बोरो वाले सवाल हैं, तो इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 2F, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 2F, बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपका इस वाली एक्सरसाइज का है और ये आपका इस वाली एक्सरसाइज का है, ठीक है। चलिए तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर डी, इसमें लिखा है लैक 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस और वंस। डिजिट्स दिए हुए हैं 6, 6, 0, 5, 3, 1, ये 1 है, ठीक है 1। और दिया हुआ है फिर यहाँ पे 7, 0, 9, 8 और 1, ये आपको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको। देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे है 3, यहाँ पर है 8। अब 3 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इससे लेंगे कैरी, ये आपने इससे ले लिए एक कैरी, ठीक है। और कैरी लेके ये क्या हो गया 13, ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका 13 बन गया, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मन में आपको ध्यान रखना है कि जब आपने कैरी ली तो ये 3 क्या बन गया, 13 बन गया। अब 13 में से 8 को माइनस कर लीजिए आप, जब 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 माइनस 8 आएगा आपका 5, ठीक है, ये आ गया आपका 5। अब आते हैं इस वाले पे। अब यहाँ देखिए ये तो 5 है, लेकिन आपको ये पता है कि इस 5 ने एक बोरो इसको दे दी थी, तो यहाँ पे कितना रह गया, एक्चुअली 4 रह गया। अब 4 में से आपको ये 9 माइनस करना है, लेकिन 4 में से तो 9 माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि 4 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये इसको फिर कैरी देगा, ये देगा इसको फिर कैरी, ये देखो। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि इस पे तो कैरी है ही नहीं, ये तो 0 है, ठीक है। तो ये पहले इससे कैरी लेगा, तो ये लेगा इससे कैरी, जब इसने इससे कैरी ली तो ये बन गया आपका 10 बन गया ये वाला। अब ये 10 इसको कैरी देगा, इसने इसको कैरी दे दी तो ये कितना बन गया 14, 4 यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 था, इसने कैरी दे दी तो 4 रह गया, और एक कैरी ली तो कितना बन गया 14। और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 0 था, 0 था तो इसने एक कैरी दी थी, ये 10 बन गया था, इस 10 ने एक कैरी इसको दे दी थी, तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा, और 9 माइनस 0 9, ठीक है। अब आगे देखें इस पर, ये क्या है 6, और 6 में से एक कैरी जा चुकी है, 6 को आप 6 था यहाँ पर, यहाँ पर इसने एक कैरी इसको दे दी 0 को, तो यहाँ कितना बचा 5, और 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये कैरी फिर दे देगा, तो इसने लेक ने एक कैरी और दे दी इसको, एक कैरी और दे दी, तो ये कितना हो गया 15, 16 नहीं होगा क्योंकि एक कैरी ये दे चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, तो क्या हो गया आप ये 15, और 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आप आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना रह गया, ये 6 था, एक कैरी दे दी, तो यहाँ पे कितना रह गया 5 रह गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको इसी टाइप का, तो उसे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका एफ, इसी का फर्स्ट का, इसमें दे रखा है लैक 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस, ये आपका 9, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 8, 3, 4, 0 माइनस। देखिए 0 में से 0 माइनस 0 आ गया आपका। अब यहाँ पे है 0, और 0 में से 4 माइनस होंगे नहीं, तो ये क्या लेगा, एक कैरी लेगा इससे, पर इसके पास भी कैरी नहीं है, ठीक है। तो ये लेगा इससे, इसके पास भी नहीं है, ये लेगा इससे, इसके पास भी नहीं है, ये लेगा इससे, इसके पास है, तो ये इसको कैरी देगा पहले, देखिएगा। अब ये मन में ध्यान रखना है आपको, इसने इसको कैरी दी तो ये कितना बन गया 10, 10 बन गया, और तो और ये फिर इसको एक कैरी देगा 10 बनकर, पहले 10 बनेगा, पहले अपने आप को 10 बनाएगा इससे कैरी लेकर, ये 10 बन गया, अब इसको कैरी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया 9, ध्यान रखना यहाँ पे 9 रह गया। अब इसने इसको कैरी दे दी तो ये कितना बन गया 10 बन गया, ये 10 बन गया, अब ये 10 बन गया, इसने इसको फिर कैरी दे दी एक और, तो यहाँ पे कितना रह गया 9, और ये बन गया 10,
ये 10 बन गया। अब इसने इसको फिर एक और कैरी दे दी, इसने एक और कैरी दे दी इसको, तो ये तो 9 रह गया और यहाँ क्या बन गया 10। अब ये 10 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 6। यहाँ पे कितना बचा बेटा 9, यानी यहाँ पे भी 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा और यहाँ पे भी 9 बचा, या 9 बचा तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 9 था, एक कैरी दे चुका था, 8 बचा, 8 में से 1 जाएगा तो 7। ठीक है, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करने हैं कैरी वाले। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल और लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।